बाबू भैया और मनारा हो चुके हैं फिर से एक। अभी जो मनारा फैंस हैं और जो मनारा फैंस हैं उनका कहना ये है कि भाई मनारा को तो बाबू भैया के पास जाना तक नहीं चाहिए। जब भी मनारा बाबू भैया के पास जाके बैठती है और टाइम स्पेंड करती है तब कुछ ना कुछ चीज़ें नेगेटिव ही होने लग जाती है। आजकल मनारा को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं पर मनारा जो है कहीं खोई खोई सी है, क्योंकि मनारा जो बातें करती रहती थी हर कोने में घर में, वो बातें होनी मनारा की कम हो चुकी है। हालांकि मनारा सबके बारे में बात करे भाई, हम तो ये खुद ही चाहते हैं। और ये लॉस जो है बिग बॉस को झेलना पड़ रहा है, इस वीकेंड के बार पे मनारा की बड़ी तारीफ होने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। अब रही बात है मुनावर फारूकी की, मुनावर फारूकी ने राशन लाने के बाद जो है बड़े अच्छे से डिवाइड किया है, बहुत ही अच्छे, सब लोगों को भर पेट खाना कि भाई वो खा पाएँ, अच्छे से ऐश कर पाएँ उनके राज में। तो मनारा जो है दम के मकान में जाके कुछ बैठ के खा रही होती है, जहाँ पर बाबू भैया के बेड पर खाती रहती है। तो बाबू भैया उसके साथ बड़ी मस्ती मजाक कर रही हैं। ये घर ही ऐसा है यार, मतलब कि लड़ाइयाँ होती हैं पर फिर भी एक ऐसी सिचुएशन आती है कि बंदे को हंस के बात करनी पड़ जाती है। पर ये तो पक्का नहीं है, क्योंकि पहले भी मनारा ने और बाबू भैया ने बात की थी पर फिर भी मनारा ने जो है बाबू भैया को नॉमिनेट किया, और आज जो है फिर भी मनारा ने जो है अभिषेक से भी बात की पर अभिषेक को भी मनारा ने नॉमिनेट किया। हंस के तो भाई सभी बात करते हैं पर वो दिल में आखिरकार दोस्त मानते या नहीं मानते ये तो उनके अगली चाल पे ही निर्भर होगा। क्या आप लोग मानते हैं कि अब मनारा ने अभिषेक को और बाबू भैया को अपना फिर से जिगरी बना लिया है? क्या है आपका कहना बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।